हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं यहाँ पर कि सैंड फिल्टर अपना वर्किंग प्रोसीजर क्या है उसका। तो ये हमारी फीड पंप है, यहाँ से होते हुए ये वाटर टॉप साइड से इनलेट करता है, ये इसके थ्रू इनलेट करेगा और ये बॉटम साइड से इसका यहाँ से हम डिस्चार्ज ले लेते हैं जो परमिट वाटर है अपना। और इसका फाइनली बैकवाश प्रोसीजर में क्या है, 8 आवर्स में वन टाइम अपने को लेना रहता है, एज पर कंपनी जो शेड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें करना रहेगा। और बैकवाश में बस नॉर्मली क्या है, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, मींस जो हमारा सर्विस का फ्लो है, जैसे टॉप टू बॉटम है, तो बैकवाश में हम बॉटम से, मींस यहाँ से बॉटम साइड से जो परमिट साइड से हम फीड कराएंगे बैकवाश में, और टॉप साइड से यहाँ से होकर ये हमारा उसमें निकल जाएगा आउटलेट, बैकवाश आउटलेट। और ये फिर अगेन हम थोड़ा मतलब 10 मिनट 5 मिनट का जो भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर रिंस हमें लेना रहेगा। रिंस में क्या है, रिंस सेम डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन डेट मीन्स ये फीड फ्लो यहाँ से टॉप से और इसका जो आउटलेट रहेगा, रिंस आउटलेट वो हम यहाँ से ले लेंगे बॉटम से, बॉटम के थ्रू हम इसका ले लेते हैं। फिर ये हमें इंश्योर करना रहेगा कि आउटलेट वाटर में हमारा क्वालिटी जो है, वाटर क्वालिटी जो है आउटलेट में रिंस के थ्रू, रिंस डेट मीन्स बैकवाश के बाद रिंस लेंगे तो उसका क्या परमिट वाटर के अकॉर्डिंग ही रहेगा, वो रिंस पर सेम एज परमिट वाटर ही रहेगा। तो रिंस का हम वाटर क्वालिटी चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आगे करते हैं। फिर टू टाइम्स में, अगर वन टाइम में नहीं आया तो अगेन बैकवाश, और फिर से हमें अपना रिंस का प्रोसीजर, और जब पानी अपना क्लियर हो गया, वाटर क्वालिटी क्लियर हो गई, फिर हम आपको अपने को सर्विस में ले लेंगे। जबकि सर्विस का वाल्व ये अपना टॉप साइड से है और ये बॉटम साइड से आउटलेट करा लें। बट इंश्योर ये भी आपको करना रहेगा कि ये जो अपना एयर रिलीज सिस्टम है ये लगा हुआ है, नॉर्मली सभी फिल्टर में लगा रहता है, उसमें क्या एयर जो रहती है, अगर एयर होल्डअप हो जाएगी बेसल में आपको, आपके बेसल में, तो प्रॉपर फ्लो नहीं आएगा और फिल्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से जब भी अपने को बैकवाश लेने के बाद ये एयर रिलीज अपने को मस्ट करना ही है। एयर रिलीज करने के बाद अपन चालू करेंगे तो उस टाइम पर अपने को प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। और अभी 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में अपने को जो भी सैंड फिल्टर रहेगा, सब सैंड फिल्टर का एवरी 6 मंथ में ओपन बैकवाश लेना रहता है, वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग रहेगा। आउटलेट क्वालिटी जिसके अकॉर्डिंग रहती है उसी के बेस पर हम ओपन बैकवाश करते हैं। आउटलेट क्वालिटी बैकवाश के बाद नॉर्मल नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें ओपन बैकवाश करना रहेगा। ओपन बैकवाश डेट मीन्स वो टॉप का मैनहोल जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, वो ओपन कर लेंगे, पूरा ओपन कर देंगे और यहाँ बॉटम साइड से पानी को इनलेट कराएंगे बैकवाश के थ्रू, और वो वाटर वहाँ से टॉप मैन होल से निकल जाता। तो उसमें क्या है, वो वाटर फ्रीली अपना जो भी पार्टिकल, जो अपना जो भी अपना फिजिकल इम्प्योरिटीज हैं, उसमें टर्बिडिटी हो गए, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गए, और ये सब जो भी रहेगा उनको फ्रीली ऊपर निकालता हुआ चला जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स नॉर्मल जो प्रोसीजर है अपना सैंड फिल्टर का, जो इंडस्ट्रियल में यूज होता है।